Hello ji, welcome to my channel, my fitness. I'm Ravi Sapra. And yes, I know I'm very very late. मैंने बहुत टाइम पहले कहा था कि मैं फिर से अपनी वीडियोस बनाना शुरू करूँगा. आई एम बैक और मैंने कोशिश भी की थी, बट क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं अपने चैनल पे कुछ अलग से दिखाऊँ, कुछ और नया दिखाऊँ. तो उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा था. मैंने ऑनेस्टली मैंने दूसरों की वीडियोज़ भी देखी, दूसरे ब्लॉगर्स जो फिटनेस ब्लॉगर्स हैं वो क्या क्या दिखा रहे हैं, किस तरह से वो अपना रिजाइम दिखाते हैं. तो आई नोटिस्ड कि ऑलमोस्ट 90% मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे जो फिटनेस ब्लॉगर्स हैं वो सारे बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें दिखाते हैं, बेसिकली अपने आप को प्रूफ भी करते हैं, और दूसरी तरह जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में हैं उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको पुश करने के लिए वो ज़्यादा एक्सरसाइजेस दिखाते हैं. फॉर बिगनर्स मैंने ऑनलाइन ज़्यादा कुछ देखा नहीं कि बिगनर्स को किस तरह से क्या क्या करना चाहिए, कैसे अपने आप को स्टार्ट करना चाहिए, कैसे अपना बॉडी को समझें कि आपको क्या करना है, आपकी बॉडी में इस वक्त कितनी स्ट्रेंथ है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस तरह से आपको शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह से अपने आपको आगे लेके जाना चाहिए. जैसे कि व्हेन वी आर अ बिगनर तो हमारी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, हमारे अंदर फैट होता है, हमारे अंदर नॉलेज नहीं होती है, मसल मेमोरी नहीं होती है. तो सबसे पहले हमको वो चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी यूज़ टू होने लगे एक्सरसाइज से. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद एक बार. तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने चैनल पे बिगनर्स के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि हमारी बॉडी में इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है. जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर स्टेमिना बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी मसल्स को बिल्कुल भी आदत नहीं है एक्सरसाइज करने की. दैट मीन्स मसल मेमोरी बिल्कुल भी नहीं है. ये करना है कि अपनी बॉडी को बिल्कुल शुरुआत में ओवरलोड नहीं करना, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि आप चार दिन करें उसके बाद थक के बैठ जाएं, फिर आप एक हफ्ते तक कुछ भी ना कर पाएं. टू बिगन विद जस्ट स्टार्ट विद 3 days अ वीक, दैट्स ओके. ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट करते ही 5 days या 6 days या 7 days अ वीक करना शुरू कर दें. आराम से 3 days अ वीक स्टार्ट करो, वार्म अप से स्टार्ट करो, स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करो, मसल मेमोरी बनाना शुरू करो, उसके बाद फिर धीरे 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 अपने लेवल को एडवांस करते चले जाओ, विच टेक्स अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम. आजकल शॉर्टकट का ज़माना बहुत ज़्यादा आ गया है, लोग चाहते हैं कि विद इन अ मंथ उनकी बॉडी एकदम से फिट हो जाए, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, और इट टेक्स योर मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कितने हद तक अपने आप को पुश कर सकते हैं. बट शुरुआत में कीप इट स्लो, कीप इट स्टडी, एंड जस्ट कीप फोकस्ड कि आपका गोल क्या है और धीरे धीरे उस गोल की तरफ बढ़ना है. तो फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विद वार्म अप. वार्म अप का मतलब स्ट्रेचिंग नहीं होता है. अगर आप कोल्ड मसल्स को स्ट्रेच करेंगे तो मसल्स ऑब्वियसली ब्रेक होंगी. वार्म अप ताकि आपकी मसल्स में इलास्टिसिटी आए और फिर आप उसको स्ट्रेच करो ताकि उसमें मोबिलिटी आए. लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप. ओके, तो स्टार्टिंग विद वार्म अप, तो आप वार्म अप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लाइट जॉगिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, या फिर स्किपिंग कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक. द आइडिया इज़ टू कीप इट लाइट. आपको रनिंग नहीं करनी है, जस्ट अ लाइट जॉग विल बी फाइन. और आपकी बॉडी वार्म्ड अप है, इसका सबसे अच्छा टेस्ट यही होगा कि आपको हल्का हल्का सा पर्सपिरेशन होना शुरू हो जाएगा. अगर आपको हल्का हल्का सा पसीना आ रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज़ वार्म्ड अप. तो तब आप अपने नेक्स्ट रूटीन पे जा सकते हैं. स्टार्ट विद द वार्म अप ऑलवेज. आई एम स्टार्टिंग विद स्किपिंग, लेट्स गो. सॉरी, मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन से बना रहा हूँ. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि आप किस चीज़ के बारे में और बात करना चाहते हैं, तो मैं उसी के बारे में अगली वीडियो लेके आऊँगा. बाकी नेक्स्ट वीडियो वैसे मेरी स्ट्रेचिंग के ऊपर रहेगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी.